हिंदुस्तान को भिजवाई जाने वाली इमदाद के तनाजुर में यूरोपीय यूनियन ने पाकिस्तान की एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया। इस्लामाबाद में यूरोपीय यूनियन के सफीर एंड्रोला कैमनारा ने पाकिस्तान की जानेब हिंदुस्तान को कोविड-19 की इमदाद फराहम करने के लिए यूरोपीय यूनियन की दरख्वास्त पर एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त देने पर पाकिस्तानी हुकूमत का शुक्रिया अदा किया है। यूरोपीय यूनियन के सफीर ने कहा कि वो पाकिस्तान को हिंदुस्तान के अंदर तैयारों को गुजरने के लिए इंसानी हमदर्दी के तहत इजाज़त देने पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। इससे कबल मंगल के रोज यूरोपीय कमीशन के इमरजेंसी रिस्पांस कोऑर्डिनेशन सेंटर ने बताया कि यूरोपीय यूनियन के रुकन ममालिक के जरिए यूरोपीय यूनियन के शहरियों के जरिए तआवुन की दरख्वास्त के बाद फौरी तौर पर ऑक्सीजन अद्वियात और सामान की दीगर तमाम तरसीलात को हिंदुस्तान भिजवाने के लिए पाकिस्तान से एयर स्पेस इस्तेमाल करने की इजाज़त मांगी गई थी, जिस पर पाकिस्तान ने यह इजाज़त फराहम कर दी है। गुज़िश्ता हफ्ते पाकिस्तान की जानिब से भी भारत को इमदाद की पेशकश की गई थी, लेकिन पड़ोसी मुल्क की जानिब से ऐसा कोई जवाब सामने नहीं आया। पाकिस्तान के हवाले से बताया गया कि पाकिस्तान ने भारत को एम्बुलेंस, ऑक्सीजन और दीगर इमदादी सामान भेजने की पेशकश की थी। सेक्रेटरी खारजा हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा कि हिंदुस्तान ने ऑक्सीजन की दरामद को तरजीह दी है। उन्होंने कहा कि 40 ममालिक ने उनकी हिमायत का वादा किया है और इन 40 ममालिक की जानिब से भारत को इमदादी सामान फराहम किया जाएगा, जबकि भारत ने ताहाल पाकिस्तान की इमदाद की पेशकश का कोई सरकारी जवाब नहीं दिया है।